तो डेट शीट निकलने के बाद एग्जाम की तैयारी करीब है और पर्चा देने का जब टाइम आता है तो कई बार इंसान नर्वस होता है तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे सामने है गुरदीप सप्पल साहब जिनको आप टीवी पर अक्सर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए सुनते हैं वो हमारे साथ हैं मलविंदर सिंह कांग साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे कि आखिर क्यों लोग भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के वादों पर भरोसा करें और जंगबीर सिंह साहब श्रोमणी अकाली दल का पक्ष हमारे साथ रखेंगे आ, मैं आपके साथ गुरदीप सप्पल साहब शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि इस बार आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है इस बार अभी तक ये हमेशा कहा जाता है कि राजस्थान है तो अशोक गहलोत पार लगाते हैं छत्तीसगढ़ है तो आपका आपके जो आ, स्टेट्स में राज्यों में जो जो नेता हैं जो क्षत्रप हैं वो आपकी नैया पार लगाते हैं लेकिन इस बार कैप्टन के जाने के बाद चन्नी साहब को सिर्फ एक दिन मिले ऐसे में ये कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी हावी दिख रही है पंजाब में कैसे आपको यकीन है कि इस कश्ती को तूफान से निकाल पाएंगे अंजना जी मैं तो उल्टा समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है कांग्रेस तो रूलिंग पार्टी है और चन्नी साहब के लीडरशिप में लड़ रहे हैं लेकिन एक से एक और भी नेता हैं जो अपने अपने दम पे भी पार्टी को जिताने की ताकत रखते हैं चाहे वो नवजोत सिद्धू हों चाहे रंधावा साहब हों चाहे भाजपा हो जाखड़ साहब लड़ ही रहे हैं तो एक पूरी फौज है कांग्रेस पार्टी के पास अस्तित्व की लड़ाई तो आम आदमी पार्टी की है जिसने लगातार चुनाव लड़े हर चुनाव में कमजोर होते गए और जो जीतते गए वो छोड़ते गए इनको चाहे एमपी रहे हो चाहे एमएलए रहे हो तो थोड़ा सा सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से आप पूछिए कि उनके अस्तित्व क्या होगा अगर चुनाव हार मुझे बताइए तो। सर सिद्धू साहब अपनी सीट छोड़कर पिछले कई दिनों से कहीं प्रचार के लिए निकले हैं मनीष तिवारी जी अपनी सीट और लोकल एमएलए के लिए प्रचार कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि आप तो पूरी फौज कह रहे हैं सुनहरे सितारों का है कहाँ वो जमीन पर सब अपने अपने इलाके में प्रचार भी कर रहे हैं अपने अपने इलाके में पूरी ताकत भी लगा रहे हैं और पिछले तीन चार दिन से कांग्रेस के जितने स्टार प्रचारक हैं एक दिन में पचास पचास चालीस चालीस रैलीज कर रहे हैं अगर इसको आप देखें तो पूरी ताकत इस समय कांग्रेस पार्टी ने पिछले तीन चार दिन से इस पूरे प्रोग्राम में झोंकी और तीन चार दिन से इसलिए क्योंकि इसके पहले दो राज्य ऐसे जहां हम चुनाव जीत रहे हैं एक उत्तराखंड और एक गोवा वहां पे भी ताकत लगानी जरूरी थी तो पहले वहां पे लगाई अब पंजाब में लगा रहे हैं सर आपसे मेरा सवाल है और वो ये है कि आम आदमी पार्टी कैसे कमाल करेगी आज सुबह से जितने नेता है वो सब ये साबित करने में लगे हुए हैं कि आप लोग बाहरी हैं चन्नी साहब है वो सीधा पर्सनल अटैक करते हैं भगवंत मान पर बाहरी पार्टी है इससे कैसे पार पाए अंजना जी देखिए पंजाब के सामने सबसे बड़ा बुनियादी सवाल ये है भी पंजाब को अगुवाई कौन देगा तीन नाम सबसे उभर के आते हैं एक सरदार सुखबीर सिंह बादल जिन्होंने दस साल तक रूल किया जिनके समय पी पंजाब रोडवेज घाटे में गई और उनकी पर्सनल बसें बढ़ती गई जिन्होंने अपना एक एम्पायर बड़ा खड़ा कर लिया सुखविला खड़े कर पंजाब पे लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ गया दूसरे कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जिनके रिश्तेदारों के यहां से दस दस करोड़ की रकम पकड़ी जाती है करोड़ों रुपए के जायदाद के कागज पकड़े जाते हैं और जिन पे सीधा सीधा माइनिंग माफिया को शेल्टर देने का आरोप और तीसरी चॉइस आम आदमी पार्टी की भगवंत सिंह मान इसमें आपके दोनों सवालों का जवाब आ जाएगा भगवंत सिंह मान जिसने एक अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में संघर्ष से अपनी जगह बनाई दो बार लगातार वो मेंबर पार्लियामेंट है एक साधारण परिवार से सफर शुरू करके उन्होंने जिसको कह सकते हैं लहरा गागा से लुटियन जोन तक पार्लियामेंट तक उन्होंने पंजाब के लोगों के मुद्दे बेबाकी से उठाए और सबसे बड़ी बात भगवंत सिंह मान इकलौता पॉलिटिशियन है पंजाब में जिसकी राजनीति में आने के बाद जायदाद और इनकम कम हुई है बाकी पॉलिटिशियन की बढ़ी है ये तो चन्नी साहब भी डिक्लेयर कर रहे थे वो मुझे सुबह बता रहे थे कि मैं हर बार प्रॉपर्टी बेच चन, के चुनाव लड़ चन्नी, चन्नी साहब जो चन्नी साहब का जो घर है वो खरड़ कॉन्स्टिट्युंसी में सबसे पुराना और सबसे बड़ा घर है और उनके यहाँ से देखिए ना अब करोड़ों रुपया तो पकड़ा जा रहा है और चन्नी साहब का जो लाइफ स्टाइल रहा है और चन्नी साहब एज ए मिनिस्टर एज ए पंजाब के लोगों के सामने आ चुके हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल फेल साबित हुई है और सबसे बड़े माफिया को शेल्टर देने के नाम पर चन्नी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है इसलिए मुझे लगता है पंजाब के लोगों को बड़ा आसान है चॉइस करना और भगवंत मान जी उनके लिए सबसे अच्छी चॉइस